नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए कल एक बड़ा ही अहम दिन होने वाला है, क्योंकि एनडीए से 5 सीटें उन्हें मिली है, जिसमें से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है कि प्रत्याशी कौन होंगे। हाजीपुर की सीट की जहां तक बात हो रही थी, तो चिराग पासवान ने घोषणा कर दी कि चिराग पासवान से वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जमुई की अगर बात करें, तो चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती वहां से प्रत्याशी होने वाले हैं। ऐसे में कल नॉमिनेशन भी होना है जमुई में, और इससे ठीक पहले आज चिराग पासवान अपने जीजा जी के साथ जमुई पहुंचे हैं। वहां पर जनता को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा है कि जितना काम मैंने आप लोगों के लिए किया है, उससे भी ज़्यादा वो काम करेंगे और मुझसे भी अच्छे सांसद साबित होंगे। ये आपके बेटे हैं और मुझसे भी ज़्यादा समस्या जो है वो संसद में उठाने का काम करेंगे। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान अरुण भारती को लेकर जमुई से, आइए आपको सुनाते हैं। बस अभी ही आशीर्वाद, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को, ये वादा आप लोगों से करता हूँ मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, उसके बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को। मैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में पार्टी परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों में उतरा। जो समर्पण भाव के साथ में 14 में आया था, वो समर्पण भाव तो मैंने रखा, पर संभवतः अपनी चीजों में उतना उलझा कि जितना समय मुझे और देना चाहिए था शायद मैं नहीं दे पाया। पर ये वादा आप लोगों से करता हूँ, जहां मैं बाकी की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की परिवार की सब निभा रहा हूं आने वाले दिनों में निभाऊंगा, पर ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित भाव से। और इनको मैंने ये भी कहा कि मैं आपको बाकी सारी जिम्मेदारियों से भी मुक्त रखूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जमुई लोकसभा शेखपुरा में आपको घर घर जाना है और जितने कार्य हम लोग के बाकी रहे उन कार्यों को पूरा कर, ये वादा भी आप लोगों को करता हूँ। मुझे गर्व होता है जब देश में, दुनिया में जहां भी जाता हूँ, अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ, जमुई लोकसभा का, शेखपुरा का जो भी व्यक्ति आके हमसे रहता है और आकर बोलता है भैया हम तो खारकुशुम्बा के, हम तो शेखपुरा के, हम तो चिपरा के, जो भी आके हमसे रहता है वो इस बात को गर्व से बोलता है कि भैया हमको गर्व होता है कि सदन में जमुई लोकसभा का नाम आपकी वजह से गूंजता रहता है, आप हम लोग के विषय को उठाते रहते हैं। पर ये वादा आज आप लोगों से करता हूं, आने वाले दिनों में मुझसे भी ज्यादा इस क्षेत्र की समस्याओं को अरुण भारती जी उठाने का काम करेंगे, ये वादा आप लोगों से करने वाला हूं। मेरे परिवार के हैं, आपके परिवार के, जिस हक से आप लोगों ने मुझ पर अपना अधिकार जमाया, उतना ही हक आप दिन पर रखें। जिस सरल और मधुर स्वभाव के लिए मैं मानता हूं और मुझे विश्वास है कि कहीं ये आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस हाँ, ये आग्रह भी जरूर करूंगा, जैसे हर मेरे पिता जी कहते थे कि पिता को सबसे ज्यादा गर्व तब होता है जब उसका बेटा उससे आगे निकल जाए। यहाँ पर भले ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मुझसे बड़े हैं, पर हाँ तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान से भी अच्छे सांसद साबित होने वाले अरुण भारती। अब ये देखने वाली बात होगी कि जितना प्यार चिराग पासवान को जमुई में मिला है, उतना ही प्यार अरुण भारती को भी मिलता है या नहीं। फिलहाल कल नॉमिनेशन होना है और ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।